हेलो दोस्तों, हम हैं राहुल और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आर के आर नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक CSS फ्रेमवर्क के बारे में जिसका नाम है टेलविन CSS। शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, और आपने अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो में उसके बारे में जान लेंगे कि वो टेलविन CSS है क्या, उसके एडवांटेज क्या है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, यह वीडियो टेलविन CSS क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और वह दूसरे CSS फ्रेमवर्क से कैसे डिफरेंट है, और टेलविन CSS को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसको कैसे हम अपने फाइल में यूज कर सकते हैं उसके बारे में है। और मेनली यह वीडियो टेलविन CSS को सेटअप कैसे करना है अपने PC में और उसको यूज कैसे करना है उस पर फोकस्ड है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, टेलविन CSS एक CSS फ्रेमवर्क है जो कि अभी के टाइम में रैपिडली ग्रोइंग CSS फ्रेमवर्क है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप यूज किया होगा, फाउंडेशन यूज किया होगा या फिर आपने कोई भी CSS फ्रेमवर्क यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी CSS फ्रेमवर्क वर्क कैसे करता है। फ्रेंड्स, जो टेलविन CSS है वो यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोचेंगे कि यूटिलिटी फर्स्ट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, यूटिलिटी फर्स्ट टर्म समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ यहाँ पे टेलविन CSS के डॉक्यूमेंटेशन पे, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ यूटिलिटी फर्स्ट इसके डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे समझते हैं यूटिलिटी फर्स्ट होता क्या है। अब फ्रेंड्स, सपोज करिए कि आपको इतना ब्लॉक बनाना है HTML और CSS का यूज करके, विदाउट एनी फ्रेमवर्क, मींस कि ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज करके हमें बनाना है इतना सा ब्लॉक, तो उसके लिए आपको कितनी सारी कोडिंग करनी पड़ेगी। इन लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, जस्ट एग्जांपल के लिए इन लोगों ने बताया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही पोर्शन सिर्फ HTML का है, देन नीचे का जो पोर्शन है जो मैं स्टाइल में किया है उस पर CSS है, उसके लिए हमें इतना CSS की कोडिंग करनी पड़ी, तब जाके हमें आउटपुट में इतना पोर्शन मिला। अब फ्रेंड्स, इतना ही पोर्शन अगर आप टेलविन CSS का यूज करके बनाते हैं, मींस के यूटिलिटी क्लासेस का यूज करके बनाते हैं, तो आपको सिर्फ इतने ही पोर्शन में आपको आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे HTML का कोड लिखा गया है और क्लासेस को कॉल कर दिया गया है डायरेक्टली। यहाँ पे इन लोगों ने कोई कस्टम CSS कोड नहीं किया है, डायरेक्ट क्लासेस को कॉल किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हर एक पोर्शन के लिए क्लासेस यूज किए गए हैं, इसी को फ्रेंड्स कहते हैं यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच में होता क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास पहले से इनबिल्ट क्लासेस बने बनाए पड़े हुए होते हैं, हमें सिर्फ उसको कॉल करना है और यूज करना है। हमें ना तो अपना कस्टम CSS बनाना है, ना ही स्टाइल शीट जनरेट करना है, और ना ही मतलब हमें खुद से कोई CSS कोडिंग करनी ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, यही बेनिफिट होता है हमें कोई भी फ्रेमवर्क यूज करने का। अगर हम फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो हमें 50-60 पोर्शन का कोड पहले से ही मिल जाता है, हमें बस उसको कॉल करना है और यूज करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेलविन CSS के एडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, जो टेलविन CSS है वो हाईली कस्टमाइजेबल CSS फ्रेमवर्क है। अगर फ्रेंड्स आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं या फिर कोई भी अदर CSS फ्रेमवर्क यूज करते हैं, जस्ट एग्जांपल लीजिए कि आप बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तो बूटस्ट्रैप में आपने देखा होगा कितने सारे ब्लॉक्स बने बनाए होते हैं, लाइक बटन होता है, नेव बार होता है, बॉक्सेस होते हैं एंड मैनी थिंग बने बनाए होते हैं, हमें उसको यूज करना होता है। और अगर हमें उस डिजाइन को यूज नहीं करना है, उसको हमें अपना खुद का यूनिक डिजाइन बनाना है, तो देन उसको ओवरराइड करना पड़ता है। बट फ्रेंड्स, टेलविन CSS जो है आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप खुद से अपना यूनिक डिजाइन क्रिएट करें, आप अपना बटन खुद का क्रिएट करें, कार्ड्स का क्रिएट करें इनका यूटिलिटी क्लासेस यूज करके, या फिर आप चाहे तो आप अपना भी कस्टम CSS बना सकते हैं। टेलविन CSS जो है वो बेस्ट फैसिलिटी देते हैं हमें, यूटिलिटी क्लासेस का यूज करके हम अपना कस्टम डिजाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये हमें दूसरे CSS फ्रेमवर्क में करना हो, लाइक बूटस्ट्रैप में या फिर फाउंडेशन में या फिर किसी और CSS फ्रेमवर्क में, तो उनका जो क्लासेस होता है उसको ओवरराइड करना पड़ता है, या फिर हमें कस्टम मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, ये बेनिफिट है टेलविन CSS यूज करने का कि वो हाईली कस्टमाइजेबल है, लो लेवल CSS फ्रेमवर्क है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपका खुद का यूनिक डिजाइन क्रिएट करने का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टेलविन CSS दूसरे CSS फ्रेमवर्क से कैसे डिफरेंट है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि बूटस्ट्रैप खराब है या फिर फाउंडेशन खराब है या फिर हमें टेलविन ही यूज करना चाहिए, ऐसा नहीं, सब अपने अपने में अपनी जगह बेटर है। बट फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिक डिजाइन क्रिएट करना है, आपका अपना खुद का डिजाइन क्रिएट करना है, तो आप चाहे तो बूटस्ट्रैप में भी वो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, आप उस क्लासेस को ओवरराइड करना पड़ेगा, वही चीज आप टेलविन CSS में इजीली कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिक डिजाइन क्रिएट करना है, देन आप टेलविन CSS यूज कर सकते हैं, ये भी एक बेटर ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, हम डेवलपर्स हैं, हमें एक से ज्यादा फ्रेमवर्क्स भले पूरी तरह ना आता हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें आइडिया होना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है, वेल एंड गुड।
आपको टेलविंड सीएसएस भी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक चीज हर एक जगह फिट नहीं बैठता है, कहीं ना कहीं हमें कोई और ऑप्शन भी वहाँ पे यूज करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स नाउ हम डिस्कस करते हैं कि टेलविंड सीएसएस दूसरे सीएसएस फ्रेमवर्क से कैसे डिफरेंट है। फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई भी प्री बिल्ड कंपोनेंट टेलविंड सीएसएस में नहीं है, मीन्स जैसे बूटस्ट्रैप में बटन कार्ड्स मिल जाते हैं यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। गिटहब पे बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे टेलविंड सीएसएस का यूज करके अलग अलग कंपोनेंट बना के रखा गया है, अगर आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको यूनिक डिजाइन क्रिएट करना है, अगर आपको कस्टम डिजाइन क्रिएट करना है खुद का यूनिक डिजाइन, तो उस सिचुएशन में टेलविंड सीएसएस बेटर है। टेलविंड सीएसएस आपको अपॉर्चुनिटी देता है आपका कस्टम कंपोनेंट बिल्ड करने का उनके यूटिलिटी क्लासेस यूज करके। टेलविंड सीएसएस रिस्पॉन्सिव है, कंपोनेंट फ्रेंडली है और हाईली कस्टमाइजेबल भी है। सो फ्रेंड्स ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फॉर टेलविंड सीएसएस। अगर आपको डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलविंड सीएसएस का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे प्रीफर कर सकते हैं। tailwindcss.com ओपन करेंगे इनका ऑफिशियल वेबसाइट, देन आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो इनका डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि टेलविंड सीएसएस को हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए अगर आप इनका डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं तो आपको पहला ही सेक्शन मिल जाएगा इंस्टॉलेशन का, और उसमें इन्होंने बताया है कि टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल कैसे करना है। या तो आप इसको npm या yarn के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनका cdn भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स cdn यूज करने से होगा क्या, आपको जो टेलविंड सीएसएस की कुछ फंक्शनलिटी है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लाइक कि जो टेलविंड सीएसएस का डिफॉल्ट थीम है उसको आप कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, आप इनके जो डायरेक्टिव है उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इनके कुछ कुछ फीचर्स हैं जो आप यूज नहीं कर पाएंगे cdn के थ्रू, और थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स एक कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि आप अगर टेलविंड सीएसएस को cdn के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ फंक्शनलिटीज आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ऐसा कोई थीम क्रिएट करना जिसमें आप इतने फैसिलिटी का यूज ना कर रहे हो, लाइक कि आप टेलविंड का डिफॉल्ट थीम ही यूज करने वाले हैं, डायरेक्टिव यूज नहीं करने वाले हैं और थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करने वाले, देन आप cdn के थ्रू टेलविंड सीएसएस को यूज कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप टेलविंड सीएसएस के सभी फंक्शनलिटी यूज करना चाहते हैं, देन आप npm के थ्रू या फिर yarn के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसमें आपको बताएंगे कि npm के थ्रू इसको कैसे इंस्टॉल करना है। सो फ्रेंड्स आपको टेलविंड सीएसएस npm के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले तो node.js और npm इंस्टॉल होने चाहिए। अगर आपके पास npm इंस्टॉल नहीं है तो वो कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम बता ही देते हैं आपको। उसके लिए फ्रेंड्स आपको node.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एंड देन आप node.js के ऑफिशियल साइट से node.js डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने PC के OS के हिसाब से। हमारा यहाँ पे विंडोज है तो हम विंडोज के लिए डाउनलोड करते हैं इसको, और फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, देन आप इसको ओपन करेंगे, देन आप इसका सेटअप रन करेंगे, देन नेक्स्ट। यहाँ पे इसका लाइसेंस एग्रीमेंट है, हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप अपने हिसाब से पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, डिफॉल्ट पाथ रहने देते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं। देन हम इसको इसके जो डिफॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे node.js और npm सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए आपको cmd ओपन करना है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है node -v, देन इसको एंटर करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है 14.810, मीन्स सक्सेस यहाँ पे हमारे पास node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चेक करते हैं npm का वर्जन क्या है, अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो उसका भी वर्जन दिखाएगा। तो यहाँ पे npm का वर्जन है 6.14.7, मीन्स npm एंड node सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं टेलविंड सीएसएस के और इसको इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स आप जब टेलविंड सीएसएस का डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो उसमें इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, आप इसको फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इसको npm के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, इससे पहले हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेलविंड डेमो के नाम से फोल्डर बना रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, आप लिनक्स या मैक यूज कर रहे हो तो टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, और हमें इस अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर नेविगेट करना है। हमने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर cmd ओपन कर चुके हैं। अब हमें सबसे पहले टेलविंड इंस्टॉल करने से पहले अपने प्रोजेक्ट फोल्डर को इनिशियलाइज करना होगा, तो उसके लिए हमें कमांड फायर करना है npm init -y। इससे फ्रेंड्स आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर होगा वो इनिशियलाइज हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे जेसन आउटपुट मिला है एक कमांड फायर करने के बाद, और अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फाइल भी जनरेट हुआ है जो कि package.json करके, और जिसको ओपन करेंगे तो आपका अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, लाइक नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, एक्स्ट्रा थिंग्स। अब हमें टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और फॉलो करते हैं स्टेप्स। अब हमें सबसे पहले यह कमांड फायर करना है npm install टेलविंड सीएसएस, इसको कॉपी करते हैं
और CMD में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब यह कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टेलविन रिलेटेड सभी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी। फ्रेंड्स आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे एक फाइल और एक फोल्डर जनरेट हुआ होगा। एक है पैकेज log.json करके और एक है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जिसमें अपने सभी डिपेंडेंसीज फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब फ्रेंड्स इतना तो हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, एड टेलविन टू योर CSS मीन्स का हमें जो डायरेक्टिव है ये अपने CSS फाइल में एड करना है। तो हम इसको कॉपी करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे अभी एक भी CSS फाइल नहीं है तो हम एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे जस्ट टेलविन CSS नाम देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप यही दें। और हम इसमें पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया था। फ्रेंड्स यह जो है वो टेलविन CSS के डायरेक्टिव्स है, आफ्टर कंपाइलेशन यह CSS कोड में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उस कोड को हम अपने HTML फाइल में इंक्लूड कर सकते, उसको हम यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्रिएट योर टेलविन कॉन्फिग फाइल। फ्रेंड्स ये ऑप्शनल है बिकॉज कि अगर आप टेलविन CSS को कस्टमाइज करना चाहते हैं देन आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टेलविन CSS को कस्टमाइज नहीं करना चाहते हैं तो देन इसका कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हम टेलविन CSS को कस्टमाइज करेंगे। सो इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पे रन करते हैं। इसको रन करने के बाद फ्रेंड्स अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फाइल क्रिएट हुआ होगा जिसका नाम है telvin.config.js। ये फ्रेंड्स हमें तब काम आएगा जब हम टेलविन CSS को कस्टमाइज करेंगे, उस टाइम पे हम इस फाइल का यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेस योर CSS विद टेलविन। यहाँ पे फ्रेंड्स हम अपने टेलविन CSS को कंपाइल करेंगे, मीन्स के फ्रेंड्स जो हमने डायरेक्टिव्स ऐड किए थे टेलविन CSS नेम देके यहाँ पे जो हमने डायरेक्टिव्स ऐड किए थे ये कंपाइल होकर एक दूसरे फाइल में CSS फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिसको कि हम HTML फाइल में यूज कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि आप दूसरे CSS फ्रेमवर्क में करते हैं लाइक बूटस्ट्रैप हो गया या फाउंडेशन हो गया जिसके CSS फाइल जो होते हैं और हम अपने HTML फाइल में इंक्लूड करते हैं देन हम उसका फंक्शनलिटी हम यूज कर पाते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स ए भी। सो फ्रेंड्स हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको प्रोसेस करने के लिए बहुत से तरीके हैं बट आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं बट फ्रेंड्स हम यहाँ पे CLI का यूज़ करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करते हैं और इसको CMD में ले जाकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे styles.css है यहाँ पे हमें अपने CSS फाइल का नाम देना है जो हमने जनरेट किया था, यहाँ पे telvin.css के नाम से जो हमने जनरेट किया था जिसके अंदर हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर किए थे, इस फाइल का हमें नाम देना है। तो हम यहाँ पे देते हैं telvin.css और यहाँ पे -o output.css। जब यह टेलविन CSS कंपाइल होगा तो यह इस फाइल में स्टोर हो जाएगा CSS के फॉर्म में, CSS कोड के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे इस फाइल को जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, हम यहाँ पे इसको टेल स्टाइल नाम देते हैं एंड देन इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। फ्रेंड्स आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो हमने आउटपुट फाइल का नाम दिया था टेल स्टाइल डॉट CSS वो फाइल जनरेट हो चुका है और उसमें CSS कोड स्टोर हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हमने डायरेक्टिव्स ऐड किया था वो कंपाइल होकर CSS के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब हम इस फाइल को अपने HTML फाइल में इंक्लूड करके टेलविन CSS का यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह आप टेलविन CSS को NPM के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे टेल स्टाइल डॉट CSS में टेलविन CSS का आउटपुट जनरेटेड CSS कोड हमने स्टोर कर लिया है। अब आप इसको HTML फाइल में इस फाइल को इंक्लूड करके आप टेलविन CSS के सभी फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे जिसमें इस फाइल को HTML फाइल में कैसे इंक्लूड करते हैं और टेलविन CSS के क्लासेस को कैसे यूज करते हैं, उसके फंक्शनलिटी को कैसे यूज करते हैं वो हम आपको उस वीडियो में बता देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टेलविन CSS क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है NPM के थ्रू। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, गुड बाय।